उत्सव को शुरू हुए डेढ़ दिन हो चुका है और डेढ़ दिन के मौके पर मुंबई में कई सारे लोग जो है डेढ़ दिन के दिन विसर्जन करते हैं। मैं फिलहाल मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि इस वर्ष दो सालों के बाद जो है कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे पिछले दो सालों में, लेकिन इस वर्ष प्रतिबंध से कई सारे छूट कर लोग गणपति उत्सव मना रहे हैं, गणेश उत्सव मना रहे हैं धूमधाम से। लेकिन जो सुविधाएं हैं जुहू चौपाटी पर, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस प्रकार लोगों को सुविधाएं दी गई है। उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीएमसी के वेस्ट वार्ड ने 100 लोगों को तैनात किया है जो कि एनजीओ से बिलोंग करते हैं, शिव सागर संघ ये जो उनका नाम है। वहां पर कई सारे 100 लोग जो है वो यहाँ पे फिलहाल मौजूद हैं और जैसे कि ये जो 100 लोग हैं ये गणपति बप्पा की मूर्ति जो लेकर आएंगे उनका पूजन यहाँ पे होगा। उसके बाद पहले कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कि जो लोग हैं विसर्जन के लिए नदी तट तक जाते थे, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हाईटाइड्स को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष केवल जुहू बीच पर ही नहीं लेकिन मुंबई के अन्य सारे जो बीचेस हैं वहां पर भी ऐसी सुविधा रखी गई कि लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और लोगों को सिर्फ वहीं पर ही जो गणपति बप्पा का पूजन है, जो विसर्जन है, वहीं पर होकर जो कार्यकर्ता है, जो एनजीओ के लोग हैं वहां पर वो लोग गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर जाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सांडेक्रूज बीच से आ रहे हैं। जिस तरीके से इस वर्ष का सुविधा रखा गया है कि बीच के जो तटे हैं वहां पे नहीं जाने दे रहे हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस सुविधा के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छी फैसिलिटीज है और क्राउड भी कम रहेगा तो एज पर कोविड प्रोटोकॉल्स और ये सब के वजह से बहुत अच्छा है। दैट्स अ नाइस अरेंजमेंट है देयर में। हालांकि दो साल के पहले कहिए या फिर कुछ वर्ष तक जो है लोग बीचेस पर जाते थे और खुलकर विसर्जन करते थे, लेकिन इस वर्ष वो उन्हें वो हो नहीं पा रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो उस बारे में क्या लगता है? नहीं, वैसा फील तो है ही ना कि आप जू बीच पे तक तो पहुंच रहे हो। इट विल आ गया और इन फ्यूचर हो भी सकता है वैसे, लेकिन एज ऑफ नाउ दिस फैसिलिटी इज नाइस। तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग इस सुविधा से भी काफी संतुष्ट हैं क्योंकि बीएमसी के अनुसार यहां पर जब भी विसर्जन होता है तब कई दफा कुछ हादसे भी हो चुके हैं जिसके चलते जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं थे। इसी के वजह से जुहू बीच कर ये तस्वीरें हैं। डेढ़ दिन के विसर्जन के मौके पर मुंबई में गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं और गणपति बप्पा को फुर्चा वर्षीय लवकरिया यानी कि अगले साल वापस जल्दी आइएगा ऐसे कहकर विदा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन शिंदे के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। Thank you.